हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग मैं कर रही हूँ 8 बजे शुरू। आज है संडे, तो आज मैं 8 बजे ही, मतलब उठने को तो मैं 7:30 उठ गई, तो 8 बजे से आपके साथ ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं संडे को अंडे की भुजिया और रोटी, क्योंकि पराठे बहुत खाली है। मतलब आज थोड़ा सा अंडा की भुजिया खाने का मन कर रहा था, तो अंडे की भुजिया बना रही हूँ। तो मैं वो कैसे बनाती हूँ आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए, मैं कैसे बनाती हूँ उसके लिए मुझे किचन में जाना पड़ेगा, तो किचन में चलिए और उसकी रेसिपी देखिए। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज काट लिए हैं और हरा धनिया भी लिया है और हरी मिर्च भी काट लिया। आपने हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कई लोगों को तीखा खाना पसंद है, कई लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल खाना पसंद है, तो आप कम ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। साथ में लिया मैंने एक छोटू सा टमाटर जो काट लिया है। तो बना रही हूँ मैं अंडे की भुजिया। तो पहले पी लेते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो मैं पानी यहाँ पे गरम कर रही हूँ। पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, तब पीऊंगी। इतना गर्म पानी कौन पिएगा, मुंह ही जल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा गुनगुना होने दूंगी, तब मैं इसको पीऊंगी। गुनगुना पानी पीने के बाद आधे एक घंटे के बाद मैं फिर एक ड्रिंक पीती हूँ, जिसमें मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ आपके साथ, वो ड्रिंक शेयर करूँगी। तो उसमें मैं लेती हूँ सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच, आधा से थोड़ा सा कम चम्मच हल्दी। तो इसको मैं अच्छे से बॉयल होने देती हूँ और फिर इसका गुनगुना होने के बाद सिप सिप करके पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ आधा एक घंटे बाद। तो ये वाला ड्रिंक है ना, जो पेट को साफ कर देता है, गंदगी, मतलब पेट साफ रहता है, हल्का फुल्का महसूस होता है इंसान को। तो आप भी ये ड्रिंक्स मॉर्निंग में पी सकते हैं। तो आपको जो ये ड्रिंक है जीरा और सौंफ का और हल्दी का, ये खाली पेट पीना है और उसके बाद करना है आधा एक घंटे बाद नाश्ता। उसको अच्छे से हमें उबालना है, बिल्कुल अच्छे से। भुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डालूंगी सरसों का तेल, इसे होने देंगे हम अच्छे से गर्म। साथ में मैंने आटा गूंद लिया है, इसे रेस्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट। तो गैस यहाँ पे तेल हो चुका है गरम। प्याज, पहले मैं प्याज भूनती हूँ। तेलों प्याज के साथ ही अंडा फेंटता हूँ, तो मुझे उसमें कच्चापन लगता है प्याज का। तो इसमें थोड़ा सा हम प्याज को भून लेंगे, हल्का सॉफ्ट होने देंगे प्याज। हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है, तो हम इस अंडों को फोड़ लेंगे किसी कटोरे में। तो प्याज मैंने धीमी आंच में सॉफ्ट, थोड़े हल्के से सॉफ्ट किए हैं। इसी के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो मैं हरी मिर्च काटी थी, हरी मिर्च डाल दूंगी। तो मैंने अंडे साथ लिए हैं, तो मैं इनको अच्छे से फेंट लूंगी। अंडे फेंट लिए हैं मैंने, साथ में प्याज भी हमारा जैसे हमें सॉफ्ट तेल का है हो गया है। इसके साथ ही थोड़ा सा मैं बेसन मसाले डालूंगी थोड़े थोड़े, तो हमें पीला कलर अंडे में अच्छा लगता है, इसलिए हम डाल रहे हैं हल्दी आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा से बिल्कुल थोड़ा गरम मसाला। दाल में डाल दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली थी, स्वाद अनुसार नमक।
साथ ही टमाटर डाल दूंगी। एक मिनट मैं इनको भून लूंगी, एक मिनट के लिए। मेरा बेटा यार नाइट ड्यूटी करके आया, अंडे की भुजिया बना रहे हैं, अंडे की भुजिया। तो चलिए डालते हैं अंडे। अब हमारा प्याज और ये सब चीज अच्छे से भून चुका है, अब इसमें अंडे डाल दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अंडे की भुजिया हमारी बन चुकी है गाइस। तो अब तंदूरी में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, रोटी बनाने से पहले मैं पी रही हूँ ड्रिंक, अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। तो ये गुनगुना हो चुका है, तो पीऊंगी मैं इसको। साथ में बना रही हूँ मैं चाय, इसमें डाली है मैंने अदरक कूट के और हरी इलायची, लौंग और दालचीनी। इसको मैंने अच्छे से उबाल दूंगी, फिर डालूंगी चाय पत्ती। तो आटे ने भी बहुत रेस्ट कर लिया, अब चलिए गाइस बनाते हैं रोटी। साथ में बन रही है रोटी, बन रही है चाय, चाय उबल गई, चाय का पानी उबल गया है तो उसमें डालूंगी मैं चाय पत्ती। जो मैंने गैस के बीच में रोटी रखी है हमारी कढ़ाई माता की है, इसको अच्छे से उबलने देंगे कलर आने तक अच्छे से। चाय उबल चुकी है अच्छे से, गैस का फ्लेम मैंने कम कर रखा है। तो अब उसके साथ आप कहेंगे चीनी तो मैंने डाली नहीं, चीनी मैं बाद में ही डालती हूँ, तो मैं चीनी डालूँ, चीनी डालूँगी। पाँच चम्मच चीनी डाली है, ऐसे उबलने देंगे अच्छे से। चलिए नाश्ता करते हैं। पहले देते अपने हस्बैंड जी को, भी उठ गए नहा धो के बैठे हैं वहां पे। लीजिए सरकार आपकी चाय नाश्ता। अंडे की भुजिया। तो चलिए गैस अब नाश्ता करते हैं, तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, और दीपिका गई है फ्रेश होने, तो हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। तो गैस ये थी मेरी आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आपको करना क्या है, अब प्यारे प्यारे थम से लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले रेसिपी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।